जरा सोचो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, तुम जो भी पढ़ रहे हो वो तुम्हें पहली बार में अच्छे से याद हो जाए, तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। चार ऐसी टेक्निक इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे कि तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी, कुछ भी याद करते हो वो लॉन्ग टर्म तक तुम्हारे माइंड में रहेगी, और ऐसा बस तुम्हें 15 दिन के लिए करना है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल, और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर ज्यादातर बच्चे प्रॉब्लम फेस करते ही करते हैं। वो पढ़ते तो हैं लेकिन चीजों को भूल जाते हैं, सब कुछ तुम्हें आगे वीडियो में पता चल रहा होगा। तो देखो यार, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, तो इस वीडियो में जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें अगले 15 दिन के लिए करना है बस। उसके बाद इन टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद तुम्हारी हैबिट बन जाएगी किसी भी चीज को जल्दी याद करने के लिए। तो चार साइंटिफिक मेथड मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लास्ट वाला होने वाला है तुम्हारा। अगर तुम स्टडी नहीं कर पाते तो उसमें फोर्थ टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यार, हम में से सभी का किसी ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता ही होता है, या तो वो मूवी देखने का हो, क्रिकेट देखने का हो, वेब सीरीज देखने का हो, या फिर कोई भी स्पोर्ट तुम्हारा हुआ, उनमें से किसी ना किसी में हमारा इंटरेस्ट होता ही होता है। अब एग्जांपल, तुमने 5 साल पहले कोई मूवी देखी होगी जो कि तुम्हारी फेवरेट मूवी होगी। कौन सी तुम्हारी फेवरेट मूवी है अभी कमेंट में बताओ। अब वो मूवी तुम्हें 5 साल पहले वाली अभी तक कैसे याद है, इसका रीजन पता है क्या है? तुमने वो मूवी देखी जिस टाइम तुम उस मूवी को देख रहे थे, तो उस टाइम तुम फुल फोकस के साथ उस मूवी को देख रहे थे, चलो वो बात तो हो गई। उसके बाद जब तुम घर आते हो तो फिर तुम उस मूवी को कुछ कुछ सीन्स को दोबारा से विजुअलाइज करते हो, या फिर कहीं उस मूवी के बारे में सुनते हो। इसी तरह से धीरे 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 वो तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी में बन चुकी है। विजुअलाइजेशन किसी भी चीज को जल्दी याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो तुम समझ चुके होगे कि तुम्हें करना क्या है। तो सबसे पहले तुम जो भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो उसे फुल फोकस के साथ अटेंड करो। उसके बाद जब तुम उस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हो तो फिर तुम्हें उस लेक्चर में बताई गई बातों को विजुअलाइज करना है, किस तरह से क्या क्या चीजें हो रही थी। और नहीं याद आता तो फिर अपने नोट्स उठाओ, उससे फिर दोबारा से देखो। और अपने सोशल मीडिया एप्स वगैरह पे तुम ऐसे ही अकाउंट्स को फॉलो करो जिससे कि तुम्हें वो चीजें तुम्हारी आंखों के सामने आती रहे, रील्स के फॉर्म में, शॉर्ट्स के फॉर्म में। तो बस कहने का मतलब इतना ही था कि तुम्हें कोई भी लेक्चर पढ़ना है या फिर तुमने अटेंड किया है, उसको बाद में विजुअलाइज करो, सोचो उसके बारे में। चलो फिर अब बात करते हैं दूसरे टेक्निक की, जो कि तुम्हारी एक्टिव रिकॉल टेक्निक। तो बेसिकली यार, तुम्हें इसमें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस कोई भी तुम टॉपिक पढ़ते हो उसको किसी और को सिखाना है या पढ़ाना है, या फिर तुम अपने फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो रिवीजन के तौर पर। उन फ्लैश कार्ड को बनाकर अपने दीवार पर चिपका दो जहां पर तुम पढ़ते हो, या फिर कोई रटने वाला टॉपिक है उसकी तुम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी आवाज में, और उसे फिर हेडफोन लगाकर दोबारा उसे सुन सकते हो। इससे ये फायदा होगा, जैसे तुम सॉन्ग सुनते हो ना, वो तुम्हें अपने आप याद हो जाता है, ऐसे ही तुम्हें वो टॉपिक या कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा जिसकी तुमने रिकॉर्डिंग की है। तो ये टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब तुमने विजुअलाइज भी कर लिया और एक्टिव रिकॉल भी करके देख लिया, फिर भी तुम्हें चीजें याद नहीं हो रही है, तो थर्ड टिप ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब रिपीटेशन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी क्यों है, आओ एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एक क्लास में 2 लड़के होते हैं, जो कि एक का नाम होता है रोहन, जो कि क्लास का एक एवरेज बच्चा होता है। इसके बाद दूसरा बच्चा है अक्षय, जो कि क्लास का एक टॉपर बच्चा है। अब ये दोनों स्टूडेंट सेम मेहनत करते हैं, सेम स्टडी करते हैं, सेम आवर्स स्टडी को देते हैं, 8 घंटे ये पढ़ता है और 8 घंटे ये भी पढ़ता है। सेम स्टडी करने के बाद भी सेम ही क्लास टीचर से पढ़ते हैं, फिर भी उसके बाद रोहन हमेशा एवरेज रहता है और अक्षय हमेशा टॉप करता है। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है रिपीटेशन। रिपीटेशन मीन्स रिवीजन करना, किसी भी चीज को बार बार पढ़ना। रोहन क्या करता है, कोई भी टॉपिक उसने पढ़ा या फिर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसका रिवीजन बस एक बार करेगा या फिर 2 बार। वहीं उसकी दूसरी तरफ जो हमारा अक्षय है, वो क्या करता है, वो रिवीजन साथ के साथ करता जाता है। पहला चैप्टर उसने पढ़ा तो उसका रिवीजन कर लिया, दूसरा पढ़ा फिर उसके बाद उन 2 चैप्टर्स का एक साथ करा, तीसरा पढ़ा तीनों चैप्टर्स का एक साथ करा। मतलब अक्षय ने जो रिवीजन करा है ना, यानी कि रिपीटेशन करा है, वो कम से कम 5 से 6 बार किया है, जिसकी वजह से उसके माइंड में चीजें अच्छे से बैठ जाती हैं। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है, अगर तुम इस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तुम इस ग्राफ को देख सकते हो, ये तुम्हारा लर्निंग ग्राफ है। इसके अंदर तुम अपना फॉरगेटिंग कर्व देख सकते हो कि तुम 1 हफ्ते के अंदर 15% चीजों को भूल जाते हो। तो उन्हें याद रखने के लिए तुम्हें बस यही काम करना है जो कि तुम्हारे रिपीटेशन टेक्निक है। रिवीजन करो बार 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 बार, जितना तगड़ा रिपीटेशन उतनी तगड़ी तुम्हारी फोटोग्राफिक मेमोरी बनेगी। अब लास्ट टेक्निक बचती है तुम्हारी, पोमोडोरो टेक्निक। ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्टों ने रिसर्च की कि 45 मिनट तक तुम्हारा माइंड किसी भी चीज पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, 45 मिनट के बाद थोड़ा वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है,
इसका रीज़न ये है कि तुम अपनी वेब सीरीज़ वगैरह भी देख सकते हो, तो उनके जो एपिसोड होते हैं ना वो 45 मिनट से थोड़े बहुत ऊपर या नीचे हो सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न उन्हें भी पता है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन पावर है एक ह्यूमन की। तो तुम्हें ये अपनी स्टडी में करना है कि तुम 45 मिनट पढ़ोगे और 10 मिनट का ब्रेक लोगे, और ब्रेक में तुम फ़ोन तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करोगे, उसमें तुम वॉकिंग करनी है या फिर थोड़े बहुत माइंड रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन सकते हो, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है जिससे कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है। और जब 10 मिनट का ब्रेक ले लो फिर 45 मिनट पढ़ो, और ऐसा ही फिर 45 मिनट तुम्हारे कंप्लीट हो जाए तो फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 45 मिनट स्टडी, 10 मिनट ब्रेक, 45 मिनट स्टडी, इस तरह से तुम्हें पढ़ना है। इससे तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लंबे टाइम तक तुम बैठे रहोगे पढ़ने के लिए और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो अब इन चारों टेक्निक्स को तुम यूज़ तो कर लोगे, लेकिन अगर तुम इन तीन मिस्टेक्स को कर रहे हो ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने का, बिकॉज ये मिस्टेक्स तुम्हारी कोई भी चीज़ को याद करने के लिए मेमोरीज बनने ही नहीं दे रही है। जब मेमोरीज नहीं बनने दे रही है तो माइंड में तुम्हारी चीज़ें कैसे बैठ सकती हैं, तो इन मिस्टेक्स को तो गलती से भी मत कर देना। तो चलो फिर बताता हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक है तुम्हारी ड्रेन योर एनर्जी। इस मिस्टेक में तुम अपनी एनर्जी फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो। एग्जाम्पल देता हूँ क्या करते होगे तुम पढ़ने के लिए बैठते होगे, सोचते होगे चलो ठीक है पढ़ तो लूँगा, अभी थोड़ी देर सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, उस पर रील देख लेता हूँ या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स चला लेता हूँ, और तुम आधा घंटा एक घंटा स्क्रॉलिंग करते ही रहते हो या फिर तुम कोई गेम खेलते रहते हो। अब इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होती चली जाती है। जो तुम्हारी एनर्जी स्टडी में लगती ना वो तुमने सोशल मीडिया ऐप्स और गेम्स में लगा दी है अपनी, और इन सब से भी बढ़कर जिससे तुम्हारी और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर। तो स्टडी करने से पहले अपने इस बाबू सोना को ना तो तुम मैसेज करोगे ना फिर कॉल करोगे, और हो सके तो जितना दूर हो सके दूर रहो। तो फर्स्ट मिस्टेक तुम्हें अब समझ आ चुकी होगी कि क्या कर रहे हो तुम, तो इसको बिल्कुल भी मत करना। सॉल्यूशन इसका ये है कि एक फिक्स टाइम रख लो जिसमें तुम्हें किसी से बात करनी है या फिर सोशल मीडिया यूज करनी है, और वो टाइम रात का रखना। इसके बाद दूसरी मिस्टेक जो है तुम्हारी वो है स्टडिंग रैंडमली। तुम कुछ भी पढ़े जा रहे हो ना तो तुम्हारा कोई सिक्वेंस है, न फर्स्ट चैप्टर पढ़ा सेकेंड पढ़ा उसके बाद डायरेक्ट 10th चैप्टर पढ़ने लग गए। अब कुछ टाइम टेबल या शेड्यूल वगैरह तो बनाओ जिससे कि तुम्हें पता रहे तुमने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं, कितने तुम्हारे बाकी हैं, और इन सब के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं शेड्यूल वगैरह की, तो उन वीडियोस को भी जाके देख लेना अगर तुम टाइम टेबल और शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो तो। और इसके बाद आती है तुम्हारी थर्ड मिस्टेक जो कि है प्रोक्रास्टिनेशन। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है तुम्हारी। तुम्हारे ये मंथ्स कैसे निकल गए तुम्हें पता भी नहीं चला, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम एकदम सर पर है, तो अब तुम्हें जो भी करना है अभी करना है, बाद के लिए बिल्कुल भी मत रखो। तो इन तीन मिस्टेक्स को भूलकर भी मत कर देना, बोर्ड एग्जाम तुम्हारे एकदम सर पर है। आई होप यार तुम्हें ये चार टेक्निक अच्छे से समझ आई हो, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन है ना, और तुम अभी तक वीडियो पर बने हुए हो तो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ही तगड़ी है, तुम बस अच्छे से इसे स्टडी में लगाओ और कमेंट करो कि हाँ भैया मैं एग्जाम को अफोर्डूंगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, बस ट्यूशन के ग्रुप और स्कूल के ग्रुप में भेज दो। बाकी बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना, और तुम्हारी प्रॉब्लम से रिलेटेड ये वीडियो सो रही होंगी तो इन्हें भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग।